हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, तो इस वीडियो में मैं LKG के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कराए बच्चों को वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, LKG में इंग्लिश रिटन की मैं बात करूँगी। पहले इसमें बच्चों का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और किसी किसी स्कूल में कर्सिव राइटिंग में भी A to Z लिखवा दिया जाता है। मैं सारे स्कूल्स की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं LKG में कर्सिव राइटिंग में भी A to Z लिखवाया जाता है। तो अगर आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम में, फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये सब पूछा जा चुका है, तो हो सकता है फाइनल एग्ज़ाम में अगर ये पढ़ाया जाता है कर्सिव राइटिंग में, तो ये हो सकता है आए फाइनल एग्ज़ाम में। वैसे आप तैयारी कराएं बच्चों की सारे ही कैपिटल लेटर में भी, स्मॉल लेटर में भी और कर्सिव लेटर में भी। ठीक है, ये हो गया। मैंने LKG के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वर्कशीट भी बनाया हुआ है, मैं उसे ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा वो वीडियो आपके लिए। अब है इसमें मेक वर्ड्स A to Z आता है, ए से लेकर के जेड तक वर्ड्स पूछे जाएंगे, जैसे ए फॉर एप्पल की स्पेलिंग, बी फॉर बॉल की स्पेलिंग, इस तरह जेड तक इसकी तैयारी कराना है बच्चों को। ठीक है, और फिर मैचिंग इसी में दे दिया जाता है, जैसे इस तरह से मैच करने के लिए A B, इसी तरह आपको स्मॉल लेटर में भी ये मैचिंग हो सकते हैं और कर्सिव राइटिंग में भी हो सकता है। अगर बच्चों को पढ़ाया गया है कर्सिव राइटिंग आपके बच्चे के स्कूल में, तो इस तरह से भी मैचिंग दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी कराना होगा। ठीक है, पिक्चर्स मैचिंग भी दिए जाते हैं, जैसे एप्पल की पिक्चर रख दी गई, बॉल की पिक्चर रख दी गई और उसे अल्फाबेट से मिलाना है। जैसे एप्पल की यहाँ पर पिक्चर है और यहाँ पर ए, इस तरह से, तो ए फॉर एप्पल, तो मिलाना, मैचिंग कराना होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया पिक्चर मैचिंग। फिर आपको फील करना होगा, बच्चों को फील करने के लिए आएगा, अगर कैपिटल लेटर है तो इस तरह से A B C, तो यहाँ B, यहाँ D, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में, कर्सिव राइटिंग में है तो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कर्सिव राइटिंग में भी आपको फील करने के लिए आएगा। मतलब मैं, हर एक स्कूल का थोड़ा अलग अलग होता है, मेरे बच्चों को जो पढ़ाया गया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, ये आप ना सोचे कि अरे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है इसके स्कूल में, तो आपके बच्चे के स्कूल में जो पढ़ाया गया हो उस हिसाब से आप तैयारी कराएं। अब जैसे यहाँ सर्कल द ऑड वन है, तो इसमें सर्कल करना है जो बिल्कुल अलग है, तो ये अलग है, तो इस तरह से बच्चों को बताना है। तो इस तरह आप वर्कशीट तैयार करके बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करवाएं। ओके, अब ये तो हो गया रिटन, अब इंग्लिश ओरल की बात करते हैं। जैसे इसमें पोएम पूछा जाता है, जो भी आपके बच्चे के क्लास में पोएम पढ़ाया गया हो उसे आपको याद कराना है। ठीक है, ये पोएम हो गया। A to Z भी पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट A B C D, इस तरह से बच्चों को बताना होगा। फिर उसके बाद आती है बारी नेम की, जैसे व्हाट इज़ योर स्कूल प्रिंसिपल्स नेम, व्हाट इज़ योर क्लास टीचर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, ये सब आप तैयारी कराएं बच्चों को ओरल में, ये ओरल में पूछे जाएंगे। डेज नेम भी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये भी पूछे जाएंगे बच्चों से। मंथ नेम भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से। और डायरेक्शंस नेम भी, यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होते हैं, तो ये बच्चों को याद कराना है। लेकिन अगर उसके क्लास में डेज नेम नहीं कराया गया है, मंथ नेम नहीं कराया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब वो नहीं पूछे जाएंगे। अब उसी तरह से वेयर डू यू लिव, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी आइज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स डू यू हैव, ऐसे बच्चों से पूछे जाएंगे। हाउ मेनी आइज डू यू हैव, तो आई हैव 2 आइज, बच्चा जवाब देगा। हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 ईयर्स। हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 हैंड्स। हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, तो आई हैव 2 लेग्स, इस तरह से बच्चे जवाब देंगे। इसी तरह फिर पूछे जाएंगे हु आर यू, ओके, हाउ आर यू, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, बनाना, तो मतलब पूछे जाएंगे व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल, तो बच्चे बताएंगे रेड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ बनाना, तो येलो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लीफ, तो ग्रीन। मिल्क, तो वाइट। हेयर का ब्लैक, स्काई का ब्लू, तो इस तरह से बच्चे कलर बताएंगे। फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट पूछे जाएंगे, तो 26। और नेम ऑफ आवर कंट्री, तो इंडिया।
तो फ्रेंड्स इस तरह से तैयारी कराएं बच्चों की, लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है बच्चों पे। मतलब हाँ, एक दो घंटे तो पढ़ाना ही पड़ता है बच्चों को बैठा करके, या फिर अगर वो खेल रहे हों, टीवी देख रहे हों, तो बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, एप्पल की स्पेलिंग बता दो बेटा, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया, फिर रहने दिया, बता दिया तो ठीक, नहीं बताया तो वो आप बता दें, क्योंकि आपके बताने से क्या होगा कि वो उनके जाके मेमोरी में बैठ जाएगा और वो उन्हें याद रहेगा। एक बार नहीं बताएंगे, वो दो बार नहीं बताएंगे, वो तीसरी बार बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, बच्चों पे बिना प्रेशर देते हुए बच्चों को पढ़ाना है, ओके। और फिर मैं अगली वीडियो में मैथ, हिंदी और EVS, जिनके सिलेबस में EVS है, वो मैं वर्कशीट बनाऊंगी और वो पूरी कोशिश करूंगी मैं वीडियो अपलोड करने की, ओके। तो वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब का बटन रेड कलर में नीचे रेड कलर में बटन है, उसे आपको प्रेस करना है, और फिर बेल बटन में भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।